अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपका होस्ट आफ्ताब मुगल। आज हमारे कोल्ड किचन शेफ हैं इमरान फरीद साहब, हम इनके साथ हैं। आज ये इनसे पूछते हैं कि आज क्या चीज़ तैयार करते कर रहे हैं, तो चलते हैं बगैर टाइम को ज़ाया किए बगैर। कैसे हैं इमरान भाई? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक खैरियत जी? ठीक है, ठीक है। ये ये पोटैटो है, उसके बाद ग्रीन पीस है, ये कैरेट है, ठीक है, आइसिंग शुगर रखी हुई है, मिल्क टाइप क्रीम है और मायोनीज है। मायोनीज है, ये रशियन सैलेड बेसिकली आप बना रहे हैं? रशियन सैलेड कमर्शियल बना रहे हैं, और ये कोई एक दो ऑर्डर नहीं होते, ये मुख्तलिफ हम 15-20-40 इस तरह जितने भी ज्यादा ऑर्डर हों तो उसके लिए हम एक दफा मैरिनेशन कर देंगे, इस चीज को आप तैयार कर लेंगे, उसके बाद ऑर्डर के हिसाब से आप एक प्लेटर में डाल के ऊपर उसके डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है, उसके ऊपर डेकोरेशन करके। तो आप जैसे इसके अलावा भी आपको कोई भी किसी किस्म की सलाद वगैरह चाहिए हो कोल्ड किचन के हिसाब से, तो वो भी हम तैयार करते रहते हैं, इंशाल्लाह डे बाई डे आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं हम इसकी तरफ, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल इमरान भाई, स्टार्ट करें आप। आपने पहले पीस डाले? जी पीस डाले, उसके बाद मैंने कैरेट डाला। कैरेट ये उबली हुई है या फ्रेश ऐसे काट के डायरेक्ट डाली है आपने? काट के इसको बॉईल किया हुआ, ये बॉईल्ड कैरेट है। उसके बाद ये पोटैटो है, ये भी बॉईल, पोटैटोज भी आपने बॉईल किया। क्यूब्स की कटिंग आपने बहुत ही आला और बिल्कुल बराबर की हुई है, बहुत ही जबरदस्त। ये सब चीजों की कटिंग सेम ही करनी पड़ती है, ठीक है। ये मिक्स फ्रूट कॉकटेल हो गया, हम एक मतलब मिक्स कर लेंगे, सही है। फिर इसके बाद उसमें बाकी सामान जो है वो ऐड करेंगे। अब इसके बाद मैं आइसिंग शुगर इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आइसिंग शुगर तकरीबन यहाँ पे 30 ग्राम है, 30 से 35 ग्राम हमारे पास पड़ेगी, 30 से 35 ग्राम वो हम इस्तेमाल करेंगे। ये कोई फिक्स ब्रांड होता है या किसी भी अच्छी कंपनी की यूज कर सकते हैं? किसी भी अच्छी कंपनी की यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम घर में भी जो है ना इसको क्रश करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, घर की शुगर को भी? शुगर को भी क्रश करके। किस चीज में क्रश करें? वो क्रशर हो, घर में मसाले वाले क्रशर होते हैं अक्सर, उसमें भी जो है ना हम इसको क्रश कर सकते हैं। ये मायोनीज मैं इसमें डाल रहा हूँ, मिल्क पैक क्रीम डाल रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये रेस्टोरेंट और मतलब कमर्शियल इंडस्ट्री जो है, फूड इंडस्ट्री, उसमें जो रशियन सैलड यूज बनाया जाता है, जो सर्व होता है, ये वो वाला रशियन सैलड है, बहुत ही अच्छा, और इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है ना ऑलमोस्ट सारे शामिल किए जाते हैं। ये वो रशियन सैलड है जो हम नॉर्मली घर भी बनाते हैं, उसमें कई चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कुछ चीज़ें डालते हैं कुछ नहीं, तो ये टेस्ट के लिहाज से भी बहुत अच्छा होता है। आप ये रेसिपी समझ लें, इस्तेमाल कर, ठीक है। मायोनीज आप डाल रहे हैं, ये भी हस्बे ज़रूरत है, जितनी हमें इसमें इस्तेमाल होगी, ठीक है, जितना आपने ये कटिंग करके सामान रेडी किया उस हिसाब से आप डाल देंगे। अक्सर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम वाइट पाउडर जो है वाइट मिर्च वो इस्तेमाल करते हैं, वाइट पेपर कहते हैं अक्सर उनसे, और वो इस्तेमाल करते हैं। जब हम कमर्शियल तैयार करेंगे तो कमर्शियल के लिए हमें वो नहीं तैयार करना पड़ेगा, वाइट पेपर नहीं इस्तेमाल करेंगे, उसकी वजह से इसके अंदर पानी आ जाता है, और जितने भी मायोनीज वगैरह वो अलग अलग होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अच्छा। लोग कहते हैं कि मायोनीज हमारी क्रीम खराब थी, मायोनीज खराब थी, ऐसा नहीं होता, सिर्फ वो वाइट पेपर की वजह से कुछ इशू आते हैं। अच्छा, ये टेक्निकल इशू है, ये टेक्निकल, ये समझ लें जी। जैसे हमारे कोल्ड किचन शेफ ने बताया, ये बड़ी मेन चीज है। देखिए फ्रेंड्स, जबरदस्त मजेदार किस्म का, मुझे तो इसका एक्सपीरियंस है, हम यहाँ पे अक्सर टेस्ट करते रहते हैं। आप लोग भी डिफरेंट जगहों पे जाते होंगे, जरूर जाते होंगे अपने फैमिलीज के साथ वीकेंड पे, तो हर होटल रेस्टोरेंट की अपनी रेसिपी होती है, लेकिन जो मेन रशियन सैलड की रेसिपी है वो यही है,
बाकी इसमें आप चीज़ें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ें भी वो यूज़ करते हैं। बहुत आला जी, इसकी शेप अभी आना शुरू हो गई है, बल्कि ऑलमोस्ट ये रेडी हो गया है ना। ये देखें, इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बिल्कुल बराबर जो है ना मिक्स हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है हमारे पास और ये हम सर्व करने के लिए जो है ना बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वाह वाह, ज़बरदस्त जी, बहुत आला इमरान भाई, नज़र ही आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो है ना रेडी है। ये देखें जी कितना टाइम लगा, मेन कटिंग में जो टाइम लगता है लगता है, बाकी मैरिनेशन में कोई इतना टाइम नहीं लगता। और ज़बरदस्त आज रेशियन सैलड की रेसिपी आपके साथ हमने शेयर की है। इसके अलावा इमरान भाई और किस किस तरह के सैलड जो है ना आप तैयार करते हैं स्पेशली यहाँ पे? इसमें हम यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ सलाद तैयार करते हैं, चिकन वर्ल्ड ऑफ सैलड। इसके बाद हम तैयार करते हैं मिक्स फ्रूट करते हैं, रेड बीन करते हैं, रेड सलाद करते हैं में, उसके बाद स्पेगेटी करते हैं, मुख्तलिफ इस तरह के जितने भी हैं, कोई साल्टी हैं, कोई नीम साल्टी, इस तरह के जो है ना क्रीमी भी हैं और वो सैलड का। ठीक है इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट आप कोई भी रेसिपी किसी चीज़ की तैयार करेंगे, सैलड है, खाना है, किसी किस्म का चाइनीज़ फूड है, कॉन्टिनेंटल है, इंटरनेशनल है, तो वो फिर आपके साथ जो है ना हम ज़रूर जो है ना इंशाल्लाह आपके साथ रब्ता करेंगे और आपसे जो है ना नेक्स्ट वीडियो जो है ना आपकी हम नेक्स्ट रेसिपी। ठीक है, अपने व्यूअर्स को अल्लाह हाफिज़ करें, बहुत शुक्रिया, दुआओं में हमें याद रहे, बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। ठीक है फ्रेंड, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी हम करेंगे टेस्ट, मैं चख के देखता हूँ कि कैसा तैयार हुआ है। जिन भाइयों ने दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द अज जल्द मौसूल हों। अभी करते हैं हम सैलड का टेस्ट और फिर आपको रिजल्ट से बताते हैं। फ्रेंड बहुत ही ज़बरदस्त, ये नहीं कि ये हमारे गेस्ट हाउस का है तो इसकी मैं तारीफ करूँ, बहुत ही आला। इसमें बिल्कुल बराबर शुगर, मायोनीज और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें बिल्कुल बराबर डले हुए हैं और ये खाने के लिए भी बहुत हैवी नहीं है, बिल्कुल लाइट है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आप भी ज़रूर तशरीफ़ लाएँ हमारे गेस्ट हाउस, पी एफ गेस्ट हाउस वाक एंड तहसील टैक्सला, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, टैक्सला से हार्डली 4 किलोमीटर के फासले पे है पी एफ गेस्ट हाउस। आप खुद आएँ, फैमिलीज़ के साथ आएँ, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा टेस्ट मिलेगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें अपने दोस्त, अपने होस्ट आफ्ताब मुगल को, अल्लाह हाफ़िज़।